ओहो गाइस यार आ गए आप सब लोग। और गाइस यार आज ना मैं शिनचैन चौप आराम से अपना भाई पहाड़ों पे आया गाइस, क्योंकि ना शिनचैन बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि उसको ना पहाड़ों पे कैंपिंग करने जाना है, तो मैं इसको आज कैंपिंग कराने लेके आ गया। अबकल वो तो काफी मस्त जगह है। अबे हाँ भाई मस्त तो जगह है। अबकल वो ऊपर किसकी पिटाई हो रही है? अबे भाई बुड्ढे जल्दी बता कहाँ पे है वो जगह, जल्दी बता। ओए पुत्र नहीं बताऊंगा पुत्र। अब यार फेंक में क्या हो रहा है वो? अबे भाई एक मिनट रुकियो, आइयो शिनचैन। गाइस यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना। अरे बाप रे गाइस यार पे तो किसी को एक बंदा मार रहा है। अबे शिनचैन हो क्या रहा है ये? और यार फेंक में वो तो जाके पता लेके गया। अब कल वो तू मत जा, कहीं तेरी सुताई हो जाए। अबे रुक जा, मेरी सुताई कैसे होगी? गाइस यार ऐसा करता हूँ, गाड़ी के अंदर जो मेरा बल्ला रखा है ना, जो मैं अपनी सेफ्टी के लिए लाया हूँ, अभी जल्दी से उस बल्ले को निकाल लेता हूँ, कहीं गाइस यार मेरी सुताई होने लग जाए वो बुड्ढे अंकल की जगह। एक मिनट रुको यार फेंक में, चले चले। अबे हाँ चाचा। गाइस यार अभी मैंने अपना बल्ला रख लिया, और गाइस अगर इसने मेरे को मारा ना तो मैं इसी बल्ले से इसका सर फाड़ दूंगा। और यार फेंक में हो क्या रहा है? अरे बच्चे मेरे को नहीं पता, वो लोकेशन मेरे को मत मार। अबे बुड्ढे पागल बना रहे, बता जल्दी वरना तेरी जान ले लूंगा, यहीं से फेंक दूंगा तेरे को पहाड़ों से। ओ नो गाइस ये क्या कह रहा है? इन बुड्ढे अंकल जी को तो ये पहाड़ों से फेंकने की बात कर रहा है। अबे शिनचैन ये क्या हो रहा है? अय्या फेंक में जल्दी इसको मार दो, टकला फाड़ दो इसका। अबे हाँ टकला तो मैं फाड़ूंगा, रुक जाओ रुक जाओ। गाइस यार अभी ना मुझे दबे दबे पाओ आगे जाना पड़ेगा, अगर इसको पता लग गया ना कि मैं इसके पीछे आ गया हूं, तो गाइस बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओए पुत्र मेरे को नहीं पता, पुत्र छोड़ दे मेरे को। अबे चल बुड्ढे बता रहा है नहीं बता रहा, मार दूंगा तेरे को, ये खा पेट पिला दे। गरीबों को सताने में मजा आता है। अबे ले ले बता पुत्र, अभी बता मेरे को कौन सा है, कहाँ है वो जगह? ओए पुत्र मेरे को नहीं पता पुत्र। अबे बुड्ढा तेरे को सब पता है, बता मेरे को। अय्या फेंक में फाड़ो इसका पैर। अबे रुक जा शिनचैन, ये तेरी प्यास की निकल यहाँ से। अबे भाई तू कौन? अबे अबे तेरी प्यास की निकल यहाँ। अरे क्या कर दिया, मैंने तो कपड़ा फाड़ दिया। अय्या फेंक में अपे अपे। अरे बुड्ढे अंकल जी आप ठीक तो ना? गाइस यार इनको देखना कितना ज्यादा मारा उसने। ओए पुत्र बहुत बढ़िया पुत्र, तूने मेरी जान बचा ली पुत्र, चल उस पे जा, चल जा उस पे झील के नीचे। अय्या फेंक में कहाँ पे झील? अरे दद्दू क्या कह रहे हो? ओ नो गाइस दद्दू अंकल को तो क्या मारा है। अबे शिनचैन इनको कैसे ठीक करे? गाइस मेरे को तो लग रहा है इनका आखिरी समय चल रहा है। ओए पुत्र झील के पास जा, झील के पास। मुझे तो अच्छा बच्चा लग रहा है, तूने मेरी जान बचाई इस गुंडे से, वाह मेरे पुत्र। ओए पुत्र तू जा झील के पास जा पुत्र, मेरे को लगता है मैं बचूंगा नहीं पुत्र। अरे नहीं दद्दू आप बचोगे। ओए पुत्र तू जा झील के पास। अय्या फेंक में क्या है वो झील के पास? अबे मेरे को क्या पता, गाइस यार ये गुंडा भी इनसे यही लोकेशन पूछ रहा था, इसकी तो मैंने बात लगा दी, निकल जाते। अरे भाई मार दे, अरे भाई माफ कर दे, माफ कर दे भाई, मैं नहीं सताऊंगा गरीबों को। अबे निकल जाते। गाइस यार पता नहीं दद्दू को कितना मार रहा था। ओए पुत्र तू बहुत ही अच्छा बच्चा है पुत्र। अय्या फेंक में ये तो हमें अच्छा बच्चा बन रहे हैं। अबे तो हम है ना अच्छे बच्चे। ओए पुत्र जा तू झील के पास जा फटाफट पुत्र। अबे शिनचैन ये क्या हुआ, दद्दू कहाँ गए? अय्या फेंक में दद्दू तो गायब हो गए। अरे बाप रे दद्दू कहाँ गए? गाइस यार यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने दद्दू थे ना, कहीं गाइस यार ये कोई मजाक तो नहीं चल रहा। अरे कहाँ जाना है मेरे को बता। अबे तू जाएगा, तेरी तो बैप की टांग। रुको गाइस यार इसको मैं बताता हूँ, ये ले ये खा तू, तेरी बैप की ये निकल जाते। अय्या फेंक में चलो चलो। अरे भाई माफ कर दे, भाई माफ कर दे। ओ गाइस यार वो दद्दू पता नहीं कहाँ गायब हो गए। एक मिनट रुको गाइस, वो दद्दू बार बार झील के साइड बोल रहे थे, तो चलो चलो जल्दी से झील की साइड चलते हैं और देखते हैं गाइस क्या सीन है। अय्या फेंक में चले चलते। अबे हाँ गाड़ी में बैठ फटाफट। अय्या फेंक में बैठ रहे हो, चले 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 मजा आएगी। अब कल वो क्या हुआ, टेंट नहीं लगाएंगे क्या? अबे टेंट तो लगाएंगे, एक मिनट चुपचाप तो बैठ रहे। गाइस यार अभी चलो आप लोगों के साथ मैं जल्दी से झील पे चलता हूँ और देखते हैं गाइस क्या सीन है, क्योंकि वो दद्दू बार बार झील की जगह बोल रहे थे। ओ नो गाइस पता नहीं क्या हुआ है और दद्दू कैसे गायब हो गए, मेरे को तो गाइस कोई माया भी दद्दू लग रहे हैं वो। अय्या फेंक में मेरे को भी। अब चल बचल कोई माया भी नहीं होता, सब ढोंग है ढोंग। अबे पागल है क्या? गाइस यार ये चोप तो सबको ढोंग बता रहा है। ऑल राइट गाइस यार अभी हम आ गए झील के पास, अभी चलो चलो गाइस और फटाफट चलते हैं और देखते हैं गाइस वो दद्दू क्या कह रहे थे वहाँ पे कि उस झील के पास हमें क्या मिलेगा। अब कल मेरे को तो लगता है खजाना मिलेगा जो अंकल ने दबा के रखा है। अबे क्या पता नहीं गाइस यार मेरे को तो सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि वो दद्दू गायब कहाँ पे हो गए। ओ नो गाइस ये रही वो झील, अभी झील के पास तो हम आ गए। अय्या फेंक में क्या है यहाँ पे? अबे मेरे को क्या पता। अय्या फेंक में सामने देखो, क्या सामने देखो? अरे बाप रे ये क्या हो रहा है गाइस, ये पानी के ऊपर आग किसने लगा रखी है? अब कल मत जाओ वहाँ पे। अबे क्या मत जाऊँ, एक मिनट रुको गाइस मुझे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ओ नो गाइस यार ये तो कोई माया भी दद्दू लगते है मेरे को। अय्या फेंक में क्या हो रहा है ये? अबे भाई मेरे को क्या पता गाइस यार ये हो क्या रहा है। अरे एक मिनट रुको गाइस मेरे को देखना पड़ेगा। ओ नो गाइस देख रहे हो ये दद्दू गाइस पूरे पानी के अंदर आग लगा के बैठे हैं, ये तो गाइस इम्पोसिबल वाली बात है। अबे शिनचैन ये क्या कर रहे हैं? अय्या फेंक में देख रहे हो पानी कितना ज्यादा है, मैं पूरा डूब गया है। अबे कल वापस आ जाओ वापस। अरे रुक जा रुक जा। अरे दद्दू जी मेरे को ना आपकी लोकेशन एक दद्दू ने और बताई थी जो पहाड़ी के पास मर गए। हाँ पुत्र तू आ गया, तू एकदम सही समय पे आया है, मैं तेरे को एक आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले तेरे दो टेस्ट लूंगा। क्या मेरे टेस्ट लोगे? अरे यार ये कौन सा आशीर्वाद देंगे शिनचैन? अय्या फेंक में बड़ों का आशीर्वाद अच्छा ही होता है। अरे हाँ भाई बड़े को आशीर्वाद तो अच्छा ही होता है। अरे बताइए बताइए क्या क्या टास्क करने पड़ेंगे? पहले पुत्र मैं तेरे को
देखूंगा कि तू इंटेलिजेंट है या फिर नहीं, फिर मैं तेरी शक्ति का टेस्ट करूंगा। अरे क्या, शक्ति का भी टेस्ट करोगे? चलो ठीक है, करो करो। और पुत्र ये बता, 20+20 कितने होते हैं? अरे शिनचैन कितने होते हैं, जल्दी बता जल्दी बता। और यार गाइस, चलिए कमेंट में जाके बताओ, 20+20 आई थिंक 40 होते हैं। अबे हां 40 होते हैं, 40। अरे हां अंकल जी 40 होते हैं। अरे पुत्र तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो, अभी बच्चे के मैं देखूंगा कि तेरे अंदर डर है या फिर नहीं। जा एक शेर का बच्चा पकड़ के ला। क्या, शेर का बच्चा? अबे कल वो वापस आ जाओ, वापस मुड्डा मारो आएगा। अबे पागल है क्या? अरे पुत्र बता तू ला सकता है या फिर नहीं, देख फिर मैं क्या करता हूँ। अरे यार शिनचैन आ जल्दी जल्दी। गाइस हमें एक जल्दी से शेर का बच्चा पकड़ के लाना पड़ेगा और इसको देना पड़ेगा। अरे बैठ बैठ बैठ, यह फेंक में मजा आएगी। चलो चलो चलो, अबे हाँ बैठ बैठ जल्दी बैठ। गाइस अभी शेर का बच्चा हमें कहाँ मिलेगा? वैसे पूरा का पूरा जंगल ही है, यहीं पे तो शेर होते हैं। अबे कल मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे को यहीं उतार दे। अबे तेरा तो चच्चा भी जाएगा, चुपचाप बैठा रहे। लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट चलते हैं और शेर के बच्चे को ढूंढते हैं। अबे कल चलता रहा चलता, ऊपर ही मिलेगा शेर। अबे भाई कहाँ मिलेगा शेर? गाइस मुझे तो कोई शेर नहीं दिख रहा। यह फेंक में वो देखो वह रहा। अरे क्या वो है क्या शेर? ओ नो गाइस, शेर तो वही है। एक मिनट रुको, मेरे को गाड़ी को यहीं लगाना पड़ेगा। अबे शिनचैन इसको पकड़ेंगे कैसे? ये तो खा जाएगा भाई, ये बहुत डेंजर होता है। और यह फेंक में मेरे पास चलो ना एक आइडिया है। अबे क्या, तेरे पास आइडिया है? अबे तुम दोनों जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। अबे तू तो फट्टू है, तू यहीं पे रह। लेट्स गो गाइस, चलो चलो फटाफट चलते हैं और शेर के बच्चे को पकड़ के लाते हैं। और यह फेंक में देख के अगर वो खा गया ना तो तुम मर जाओगे। अरे हाँ वो तो मेरे को पता है। ओ नो गाइस, देख लो कैसे पहाड़ी पे खड़ा है वो शेर। अबे शिनचैन क्या आइडिया है, इसको कैसे बेहोश करें, क्या करें? गाइस अगर इसको पता लग गया ना कि हम यहाँ पे। अरे अरे बाप रे बाप रे बाप रे, अरे यार अरे यार अरे यार, यह फेंक में पागल है क्या? अबे यार रुक जा शिनचैन। गाइस देख लो ये शेर का बच्चा कितना ज्यादा बड़ा है। यह फेंक में अगर इसको पता लग गया ना हम यहाँ पे, हमें खाई जाएगा। अबे शिनचैन तेरा प्लान क्या है, मेरे को प्लान तो बता। यह फेंक में ये लो बम, लो इसको बम से उड़ा दो। अबे पागल है क्या, बम से उड़ा देंगे तो ये मर जाएगा ना, और उसने जिंदा बच्चा बोला था लाने के लिए। अरे गाइस यार इसको लेके कैफे जाए, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। यह फेंक में इसको बेहोश कर दो। अरे हाँ एकदम सही आइडिया, गाइस मैं इनको ना बेहोश कर देता हूँ। रुको रुको रुको, मेरे पास एक बेहोशी वाला बम भी है। अभी चलो चलो गाइस, और फटाफट ना धीमे धीमे पाओ जल्दी से उसके ऊपर ये वाला गैस फेंकते हैं। इस गैस से वो बेहोश हो जाएगा, फिर मैं ये वाली उसको उठा के ना जल्दी से उस बाबा को दे आऊंगा। ये खड़ा वो और ये मारा मैंने। अरे गाइस यार देखो वहाँ पे भाई गैस जा रही है। चलो चलो गैस और फेंकते हैं और इसको बेहोश कर देते हैं। यह फेंक में ज्यादा मत कैसे, कहीं वो जिंदगी के लिए बेहोश हो जाए। अबे रुक जा शिनचैन, देखो गाइस कितनी सारी गैस हो गई है। यह फेंक में वो कितनी देर में बेहोश होगा? अरे बस भाई शिनचैन वो बेहोश होने वाले गाइस। ओ हो गया हो गया हो गया गाइस यार, देखा आप लोगों ने मेरे सामने वो बेहोश हो गया। अबे कल वो हो गया जल्दी लिया जल्दी। अरे चलो चलो गाइस यार अभी ये बेहोश हो। अरे मैं दूर हो जाऊं कहीं गाइस, मैं भी बेहोश हो जाऊं। यह फेंक में दूर हो जाओ, दूर गैस को जाने दो। अरे हाँ गैस को जाने दो। चलो चलो गाइस यार, जब तक मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ, उसको गाड़ी के ऊपर ही पकड़ लूंगा। अबे कल वो मेरे साथ मत पकड़ियो। अबे तू तो चुप ही रह। गाइस यार ये चोप को वैसे ही ज्यादा डर लगता है। अभी चलो चलो जल्दी से उस शेर को ना जल्दी से वो दद्दू के पास लेके चलते हैं, और वो दद्दू पता नहीं कौन सा आशीर्वाद देंगे मेरे को। अबे बैठ शिनचैन, यह फेंक में चलो ऊपर ही ले लो। अबे हाँ 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 चलो चलो गाइस यार, ये पड़ा वो शेर। अभी चलो इसको जल्दी से गाड़ी के ऊपर रखते हैं। अबे कल वो जल्दी कर जल्दी। अबे हाँ कर रहा हूँ रुक जा अबे कल वो मेरे को डर लग रहा है बहुत सारा। अबे मेरे को खा तो नहीं जाएगा ये? अबे ऐसे कैसे खा जाएगा, अभी वो बेहोश है। चल भाई शिनचैन जल्दी बैठ, यह फेंक में चले चले। अरे चलो चलो गाइस यार, अभी मैंने शेर को पकड़ लिया, अभी जल्दी से वो दद्दू को देख के आते हैं शेर को। और गाइस यार फिर वो दद्दू पता नहीं कौन सा आशीर्वाद देंगे। अबे कल वो चल चल, यह फेंक में चले चले। अबे हाँ चल रहे रुक जाओ रुक जाओ। ऑल राइट गाइस यार, अभी हम दद्दू के पास वापस आ गए। अभी चलो चलो गाइस यार, अभी दद्दू यहीं पे ना कहीं, गाइस हमें चूना लगा के चले गए। ओ नो, अभी गाइस यार दद्दू तो यहीं पे है। अरे दद्दू ये लो, आपने जो मंगाया था ना शेर वो मैं भी लेके आ गया। ओए पुत्र तू तो काफी ज्यादा ब्रेव है पुत्र, तू तो उस शक्तियों के काबिल है। अरे क्या, कौन सी शक्तियों के काबिल हूँ? ओए पुत्र इधर आ पुत्र, ले मैं तेरे को शक्तियां देता हूँ। बिम्बड़ा बू, यार फेंक में वो दद्दू कहाँ गए? अरे वो दद्दू एकदम कहाँ गए, एक मिनट रुकना। अरे बाप रे दद्दू कहाँ गए? अबे मानो तो तेरे को पहले बोला था, कोई तांत्रिक वांत्रिक सब फर्जी होते फर्जी। अरे गाइस यार ये क्या, वो तो गाइस वो लोयन के बच्चे को भी ले गए। अबे शिनचैन हमारे साथ फ्रॉड हो गया क्या? यार फेंक में पता नहीं, चलो गाड़ी में बैठे अपने। अरे यार गाइस हमारी अच्छी भली पिकनिक चल रही थी, हम पता नहीं किस काम में लग गए। पता नहीं गाइस आशीर्वाद दिया भी है यार नहीं दिया। और यार फेंक में चलो चलो अब चलो यार, कहीं नहीं लेट हो रहे हैं हम। अरे हाँ चल यार गाइस, अभी चलो चलो फटाफट गाड़ी में बैठते हैं। अबे कल वो ये क्या कर दिया बे? अबे क्या हो गया? अबे कल वो बाहर निकल। अरे गाइस क्या हुआ, एक मिनट रुकना। अरे बाप रे, अबे शिनचैन ये क्या है? यार फेंक में हमारी गाड़ी तो सोने की हो गई। एक मिनट रुकना गाइस यार, लगता है एक मिनट रुको रुको, जो जैसा मेरे को लग रहा है वैसे तो नहीं हुआ। एक मिनट रुको गाइस, फटाफट गाड़ी को बाहर लेके चलते हैं। और यार फेंक में रुको, मैं भी देखता हूँ। अबे देख देख देख, यार फेंक में ये तो सोने की हो गई। अबे भाई शिनचैन ये गाड़ी तो काफी मिलियन डॉलर की हो गई है। अबे कल वो लगता है दद्दू ने जो आशीर्वाद दिया उससे तू कोई भी चीज सोने की कर सकता है। क्या सोने की कर सकता हूँ? अबे शिनचैन बैठियो जल्दी, एक बार और चेक करते हैं। यह फेंक में चले चले। अबे हाँ चल रहे गाइस, रुको रुको अभी मेरे को इस जंगल से बाहर जाना पड़ेगा। आप लोगों को भी वही देख रहे ना जो मैं देख रहा हूँ। गाइस
हमारी पूरी गाड़ी गोल्ड की कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि गाइस काफी मिलियन डॉलर की हो गई है। अभी चलो चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, यार अभी हम आ चुके हैं नए कपड़े खरीदने मेरे लिए, क्योंकि गाइस अब तो मैं काफी अमीर हो चुका हूं ना। ये आ गई गाइस कपड़े वाले की दुकान, और यहां पे आके मैं तो काफी महंगे कपड़े बेचते हैं। अबे तो क्या हो गया, पैसा बहुत है अपने पास, आजा आजा अब कालो जल्दी शेरवानी पहन के। अबे क्या शेरवानी गाइस, यार ये तो पागल है। अरे आइए सर जी, आइए आइए, बताइए क्या चाहिए आपको। अरे मेरे को कोट पैंट चाहिए। अरे हाँ सर जी, वो देखिए वो खड़े कोट पैंट पहन लीजिए। अरे हाँ पहनता हूँ। यार आंटी जी नमस्ते, डेट पे चले गए। अरे बच्चे पागल है क्या। अरे गाइस यार ये शिनचान तो पता नहीं कहीं भी मजा लेने लग जाता है। गाइस यार अभी कौन सा कोट पैंट पहनूं। अबे भाई शिनचान बता, और यह फैंक में व्हाइट वाला पहनो। क्या व्हाइट वाला, एक मिनट रुको। वैसे गाइस ये वाला भी अच्छा लग रहा है, और यह फैंक में पहन लो बहुत सारे हैं। अबे यार रुक जा। गाइस मेरे हिसाब से मैं आज ये वाला पहन लूं। क्या व्हाइट वाला देख रहा भाई शिनचान, थ्री पीस में तेरा भाई क्या लग रहा है। और यह फैंक में स्मार्टी। अरे हाँ भाई स्मार्टी, चलो। अरे सर जी आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अरे हाँ वो तो मेरे को पता ही है, लेट्स गो गाइस। अभी चलो फटाफट चलते हैं। अभी आप भाई शिनचान, अभी गाइस हमें ना बहुत सारी कारें भी खरीदनी है, जो कि गाइस काफी महंगी होगी। यह फैंक में चलो। अब कालवे तू तो चमक गया बे। अबे वो तो मैं चमका ही रहता हूँ, लेट्स गो गाइस। अभी चलो सिमियन के पास चलते हैं। यह फैंक में कहाँ जा रहे हैं। अबे भाई शिनचान मैं तेरे को अपने नए वाला मेंशन दिखाता हूँ। गाइस यार चलो आप लोगों को भी मेंशन दिखाता हूँ, जो मैंने अभी काफी मिलियन डॉलर का खरीदा है। अरे सर जी आ गए आप। अरे हाँ मैं आ गया, कोई सिक्योरिटी पूरी है ना अपनी टाइट। अरे हाँ सर जी पूरी टाइट सिक्योरिटी है। नमस्ते। अरे हाँ नमस्ते। और यह फैंक में हमारी सिक्योरिटी गार्ड है क्या। अबे और नहीं तो क्या शिनचान, क्योंकि गाइस अब तो मैं काफी अमीर हो गया ना, तो मेरे को सिक्योरिटी के चोचले तो रखने पड़ेंगे। ओ बाप रे, अभी गाइस मेरी गाड़ी ठुक जाती है। यह फैंक में तो काफी मस्त है। अब कॉल में तू तो सांप बन गया, सांप बनकर कहावत बन गया। अबे और नहीं तो क्या। अभी चलो। अरे साहब जी आ गए साहब जी। अरे हाँ आ गया, चल गेट खोल फटाफट। गाइस देख रहे हो पूरा का पूरा सिस्टम हमारा पूरा ऑटोमेटिक है। और ये देखो अब कॉल में सोने के प्लेन। अबे हाँ भाई सोने के प्लेन। चलो गाइस यार आप लोगों को फटाफट से ना ये पूरा का पूरा मेंशन दिखा दूं अपना। और इस वाले मेंशन में गाइस एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ना हमने प्लेन के लिए रनवे भी बना रखा है, मतलब यहाँ से हम प्लेन वगैरह भी उड़ा सकते हैं। और अपने हेलीकॉप्टर तो है ही ऑल टाइम। और यह फैंक में ये क्या है। अबे ये एक मेरा छोटा सा गैराज है, और यह फैंक में छोटा सा इतनी महंगी महंगी कार है। अबे और नहीं तो क्या। अभी तो गाइस यार इसमें और महंगी कारें आएंगी, क्योंकि गाइस अभी इतनी मिली हमारे को, मैंने इतनी खरीद ली, बाकी मैं सिमियन से और कार खरीद लूंगा। अब कल वो चल मेंशन देखते हैं। अबे हां मेंशन तो देखेंगे, लेट्स गो गाइस। अभी चलो गाड़ी यहां पे लगाते हैं और जल्दी से आपको मेंशन दिखाता हूं पूरा। अबे आ जाओ। अबे हां आ जाओ। लेट्स गो गाइस, अभी चलो आपको मेंशन दिखाता हूं। और ये देखो गाइस पूरा का पूरा प्लेन भाई हमारा गोल्ड का है। और यहां पे एक भाई तो काफी महंगा है। अरे हां भाई काफी महंगा है, लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देख रहे हो गाइस कितने ज्यादा बड़े-बड़े महंगे हेलीकॉप्टर हैं। अब कल वो ये तो काफी महंगा है। अरे हां भाई यार इसमें भी तुम्हें घुमाने लेके जाया करूंगा वेकेशंस पे। और ये देखो गाइस इस वाले पूरे के पूरे मेंशन में एक स्विमिंग पूल है। अभी चलो अंदर चलते हैं और आप लोगों को सारा दिखाता हूं। अरे सर जी नमस्ते। अरे हाँ भाई नमस्ते। लेट्स गो गाइस अभी फटाफट ऊपर चलते हैं। और ये देखो गाइस ऑटोमेटिक गेट्स हैं। और यह फैंक भाई ये वाली जगह कौन सी है। अबे ये गाइस यार पूरी की पूरी हमारी देख रहे हो कितनी ज्यादा मस्त एलसीडी है। और जहाँ से व्यू देख रहे हो गाइस पूरा माउंटेन्स का पूरा माउंट चिलियाड का आता है। और ये रहा हमारे इस वाले मेंशन का डाइनिंग टेबल, जहाँ पे बैठ के गाइस हम खाना वाना खाएंगे। ये रहा एक छोटा सा किचन, जहाँ पे गाइस पूरा हर सामान है। और गाइस अंदर भी एक स्विमिंग पूल है घर के हमारे। और यह फैंक भाई काफी मस्त है ये। अबे हां कल वो काफी मस्त है। अबे हाँ वो तो मेरे को पता है। और ये वाला कौन सा रूम है। हाँ ये एक बेडरूम है छोटा सा, देख लेंगे गाइस ये बांट लेंगे शिनचान और मैं। और ये वाला कौन सा, ये भी एक बेडरूम ही होगा। हाँ ये भी एक सेम बेडरूम है। अभी लेट्स गो गाइस उस साइड चलते हैं और आपको उधर का सीन दिखाते हैं कि कैसा है सारा का सारा मेंशन। और यह फैंक में बढ़िया है। अबे हाँ भाई बढ़िया तो है। और ये है गाइस यार देख रहे हो कितनी महंगी फोटोज लगवाई है मैंने। और यहाँ से एंट्री होगी। और यहाँ पे गाइस देख रहे हो एक अंदर भी स्विमिंग पूल है। और यह फैंक में यहाँ पे तो मैं नहाया करूंगा। अरे हाँ भाई नाली और देख रहा है मैंने, गेम्स वगैरह के लिए पूरा क्लब वगैरह बना दिया भाई पूरा का पूरा मेंशन में। और अभी चलो इस साइड चलते हैं और इस साइड का भी मेंशन दिखाता हूं आप लोगों को। यह फैंक में मस्त है मस्त। अरे हाँ भाई मस्त तो है, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा महंगा पड़ा है हमारे को। और ये वाला गाइस मेरा एक ऑफिस है, क्योंकि गाइस जो अभी हमारी बिजनेस मीटिंग होया करेगी वो यहीं पे होया करेगी। और सामने एक गाइस प्रोजेक्टर लगवाया मैंने। और ये वाला रूम कौन सा है, एक मिनट को चलते हैं इसके अंदर भी। यह फैंक में ये तो तिजोरी है। अरे हाँ भाई यार तिजोरी। गाइस देख लो कितना सारा गोल्ड हमने पहले अपने लिए स्टोर कर लिया है। और यह फैंक में काफी ज्यादा गोल्ड है। अरे हाँ भाई काफी ज्यादा है गाइस, काफी मिलियन डॉलर का गोल्ड हमने ना स्टोर करके रखा है। और ये वाले गेट ना जब भी मैं इनके पास आता हूँ तो जब भी खुलते हैं, वरना नहीं खुलते। बाकी शिनचान और टॉप आते हैं जब भी खुल जाते हैं। और यह फैंक भी ये क्या है। अरे ये भी भाई एक रूम है। यहाँ पे गाइस पूरी मैंने मशीने लगाई है कोको कोला वगैरह की। और ये रहा गाइस हमारा पूरा सर्वर रूम, यहाँ पे बैठ के गाइस हमारी पूरी की पूरी टीम काम करेगी। देख रहे हो पूरा ऑफिस का ऑफिस मैंने पूरा घर में बनवा दिया है। और यह फैंक भी काफी स्मार्ट है। अब कल ये किसका रूम है। अब ये मेरा ऑफिस है। और
गाइस यहाँ पे बैठ के मैं काम करूंगा और यहाँ से देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा बढ़िया व्यू आएगा। जब भी काम करूंगा तो सामने पूरा लॉस सैंटोस दिखेगा। और चलो चलो गाइस सर अभी फटाफट बाहर चलते हैं। यहाँ पे एक बार चले चले आप चल चल आ जा अभी। चलो चलो गाइस सर मैं आप लोगों को ना अपने गोल्डन वाले प्लेन में घुमा के लाता हूँ। यहाँ पे एक मैं भी घूमूंगा। अबे हाँ आ जा। चलो चलो गाइस सर फटाफट गोल्डन वाले प्लेन में चलते हैं। अबे कलवा मजा आएगी मजा चल जल्दी। अरे हाँ आ जा आ जा लेट्स गो गाइस सर अभी। चलो चलो फटाफट से गोल्डन वाले प्लेन में बैठते हैं और आप लोगों को फटाफट इसको उड़ा के दिखाता हूँ ये कितना ज्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ पे अकबर चले चलो मैं भी आ रहा हूँ। अब कल मैं भी आऊंगा। अबे हाँ आ जाओ जल्दी बैठ जाओ। अरे अरे रुक रुक। ऑलराइट गाइस सर अभी शिनचैन और चो भी बैठ चुके हैं। अभी चले भाई शिनचैन यहाँ पे अकबर उड़ा दे। अबे ये ले भाई। और नो गाइस ये उड़ाया मैंने प्लेन। और ये देखो गाइस हमारा पूरा का पूरा मेंशन कितना ज्यादा बढ़िया लगता है ऊपर से। यहाँ पे अकबर ओपी लगता है ओपी। अरे हाँ भाई यार ओपी तो लगता है। और गाइस सर हमने अपने प्राइवेट वाले प्लेन में कहीं भी जा सकते हैं मतलब किसी भी शहर के अंदर। तो चलो गाइस सर इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस सर और फटाफट कमेंट में जाके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और गाइस बताओ बताओ। चलो बाय बाय। गाइस बाय बाय। अरे गाइस बाय बाय।